हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाऊंगी फ्रूट कस्टर्ड। जैसा कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमें कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो बच्चे ऐसे में मार्केट से आइसक्रीम लाते हैं, वो हानिकारक होती है। तो चलिए इस तरह से कस्टर्ड बनाइए और बच्चों को ढेर सारे फल खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कस्टर्ड की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे कभी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है और दूध हमें फुल फैट ही लेना है। अब दूध में उबाल आने देते हैं जब तक कि, चलिए हम अपना कस्टर्ड दूध बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने एक दूसरी कटोरी में आधी कटोरी दूध ले लिया है और इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। दो चम्मच डाल देते हैं, आधे किलो दूध के लिए दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर बहुत ही सही परफेक्ट मेजरमेंट है। अब हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसके लम्स भी इनको हमको मिला लेना। दूध नॉर्मल लेंगे, ना तो हम ठंडा लेंगे और ना ही गर्म लेंगे, बस नॉर्मल दूध हमें यूज करना है। मैंने उस वाले आधे लीटर से दूध नहीं लिया है, ये मैंने अलग से दूध लिया। आप चाहो तो उसमें से भी निकाल कर यूज कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो गया है। मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज किया है, आप मर्जी जो हो वो यूज कर सकते हो या आपके पास जो रखा हो वो आप यूज कर सकते हो। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें दूध में उबाल आ रही है। अब इस टाइम पे हम 3 चम्मच शक्कर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं और घुल जाने देते हैं। शक्कर घुल चुकी है, अब हम यहाँ पे डालेंगे कस्टर्ड वाला दूध जो हमने बनाया हुआ था। बस इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसको लगातार चलाते जाना है, बस थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे हम। एक साथ डाल देंगे तो इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध को डालना है और लगातार चलाते रहना है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है। लगातार चलाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए 2 मिनट में ही ये कस्टर्ड बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये कितना ज़्यादा थिक भी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं। बस थोड़ी देर और हम इसे पका लेते हैं और हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। कस्टर्ड हमारा बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। और भी एक मैं तरीका बता देती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं बस इस तरह से इसकी लेयर आने लगे तो आपका कस्टर्ड परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और भी मैं एक तरीका बता देती हूँ, ये देखिए मैंने इस तरह से उंगली लगाई तो ये देखिए बीच से क्लीन हो गया, यानी हमारा कस्टर्ड बनकर कम्प्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है और बाउल में कस्टर्ड को ट्रांसफ़र कर देते हैं जल्दी से। ये अभी हमें पतला लग रहा है, लेकिन भी थोड़ा ठंडा होगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। कस्टर्ड को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, अब इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, यानी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ फ्रूट्स डालूंगी। मैंने यहाँ पे बनाना ले लिया है, पपाया ले लिया है और ग्रेप्स ले लिए, एप्पल ले लिया है और अनार ले लिया। ये सारे फल मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने ये ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो कीवी भी इसमें डाल सकते हो, और भी जो आपके पास फल पसंद हो घर पे उनको डाल सकते हो, या आपको और भी कोई फल पसंद हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। मेरे पास इतनी ही थी तो मैं इसमें डाल देती हूँ। बस इन सारे फलों को हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास ब्लैक वाली ग्रेप्स हो तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। मैंने आपको सारे फल डाल दिए हैं, कुछ मैंने गार्निश के लिए रख लिए हैं, वो मैं आपको बाद में डाल के दिखाऊँगी। अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारा कितना लाजवाब कस्टर्ड बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है, इसमें मैंने फ्रूट भी मिला दिए हैं। अब इसे ले चलते हैं फ्रिज की तरफ, क्योंकि जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा नहीं होगा यानी चिल्ड नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मैं इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगी। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रीजर में 30 मिनट के लिए रख सकते हो। चलिए ले चलते हैं। फ्रूट कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैंने इसे 1 घंटे तक फ्रीजर में रख के ठंडा किया है। ये देखिए इसमें देखिए लेयर भी अच्छी दिख रही है, ये हमारा सेट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गाढ़ा बनकर हमारा कंप्लीट हुआ है। इसे और भी ज़्यादा आप ठंडा करना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे के लिए और भी आप इसे फ्रीजर में रख सकते हैं, लेकिन बट मुझे जल्दी है तो मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर
आइसक्रीम की कटोरी ले ली है, तो मैं इसमें सर्व कर लेती हूँ। आपके पास जो भी कटोरियाँ हो उसमें आप सर्व कर सकते हो। देखा आपने हमारी कितना हेल्दी और टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना लजीज और स्वादिष्ट बनकर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे मैंने कटोरियों में फिल कर लिया है। अब मैं थोड़ा गार्निश कर देती हूँ, इससे ये और भी ज़्यादा देखने में सुंदर। कुछ मैंने इसमें पपाया डाल दिए, छोटे छोटे पीस में हमने काट के रखे हुए थे। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा ठंडा ठंडा कस्टर्ड बनकर कंप्लीट हो चुका है। बच्चे फल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप भी इस तरह से अपने घर पर बनाइए, बच्चों को ढेर सारे फल खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे कभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिली। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।